नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धनु राशि के नवंबर माह के राशिफल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें और देखते रहें डेली पंचांग। आइए धनु राशि के बारे में हम बात करते हैं कि नवंबर माह में कैसा राशिफल जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह इस माह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम बात करें यहाँ तो राशि स्वामी की, तो राशि स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। वे नीच राशि में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 21 नवंबर को वे अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। नीच राशि से आपके राशि स्वामी का बाहर निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश एक सुखद प्रवेश कहा जा सकता है। यहाँ पर जो हेल्थ से रिलेटेड आपको जो भी समस्या अभी तक आई थी वो समस्या आपकी दूर होने लगेगी। सबसे पहले दूसरी बात हम बात करें तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, यानी माता सुख स्थान, घर, जमीन और जायदाद को लेकर जो भी परेशानी आपकी अभी तक आ रही थी वो परेशानी आपकी समाप्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अपनी राशि से, अपनी नीच राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति अपने कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर बुध देव की। इस कुंडली के अंदर यानी धनु राशि के लिए बुध देव आपकी नौकरी के और साथ के साथ आपके बिजनेस के कारक भी माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। उनका गोचर भी इस माह में राशि परिवर्तन कर रहा है। कन्या राशि में बुध देव का गोचर चल रहा है इस माह में, जो कि 2 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। कार्येश की, दशमेश की लाभ भाव के अंदर से गोचर एक अत्यंत शुभ गोचर है, यानी कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो भी परिवर्तन आपके आएंगे वो बहुत ही सुखद अनुभव होने वाले हैं। यहाँ पर बुध देव लाभ भाव से गोचर सूर्य और मंगल के साथ में रहेंगे। मंगल यहाँ पंचम भाव के स्वामी है और मंगल यहाँ द्वादश भाव के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र का पंचम और द्वादश के साथ में लाभ भाव में गोचर यानी आपके करियर में आपको उन्नति की ओर ले जाने वाले। अगर हम बात करें यहाँ बिजनेस की तो सप्तम भाव के स्वामी भी बुधदेव बनते हैं, यानी यहाँ पर जॉब और करियर को लेकर, यानी जॉब वालों को और बिजनेस वालों को, दोनों को ही इस माह में अत्यंत ही फायदा होने वाला है। आइए बात करते हैं यहाँ पर पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। परिवार की तरफ से या जमीन जायदाद की तरफ से आपको यहाँ सुखपूर्वक अनुभव होने वाले हैं। बात करें यहाँ पंचम भाव की, यानी आपकी बुद्धि की, साथ के साथ यहाँ बात करें हम हायर एजुकेशन को लेकर, तो यहाँ पंचम भाव में मंगल, यानी पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगलदेव बनते हैं, जो कि लाभ भाव में और इस पूरे माह में लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त करेंगे। साथ के साथ में हायर एजुकेशन से जो भी जातक जुड़े हुए हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, और साथ के साथ में छठे भाव में राहु का गोचर भी है। राहु का गोचर आपकी राशि से यानी चंद्र राशि से छठे भाव में एक शुभ गोचर माना गया है, और राहु यहाँ उच्च अवस्था में भी हैं, तो यहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको यहाँ सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस के अंदर भी आपको यहाँ लाभ मिलने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी का तीसरे भाव में गोचर आपको अपने करियर में, अपने जीवन के अंदर मेहनत कराने वाला है। बुद्धि का उपयोग से आप अपने जीवन में कई कार्यों को साधेंगे। साथ के साथ में जो भी जब तक हायर एजुकेशन से या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह माह अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। भाग्य भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवम भाव के स्वामी जो है वो एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि नीच अवस्था में है लेकिन लाभ भाव में गोचर आपके भाग्य को भी यहाँ वृद्धि करने वाला रहेगा। धन्यवाद।